राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कल हमारे घर में जो फंक्शन था, वहाँ से रिटर्न ये लोग 2:30 बजे तक आए और रात भर ऐसे हल्ला मचाते रहे, शोर करते रहे मतलब दिन भर काम और रात में ऐसे मस्ती करते हैं और सोए भी नहीं हैं। सभी लोग एक ऐसे ही पूरा हल्ला वल्ला करते रहे। और आप सभी को पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देव दीपावली है और यहाँ जबलपुर में बहुत मनाते हैं पूर्णिमा। आज यहाँ के दिन कहा जाता है कि किसी पवित्र नदी में जाकर दीपदान का बहुत प्रचलन है। वैसे तो हमारी नर्मदा घाट में डेली किसी का तो डेली का नियम है दीपदान करने का, लेकिन कहते हैं कि आज के दिन दान पुण्य कीर्तन पूजा सबका बहुत महत्व है। तो अभी देखते हैं, हो पाएगा तो मैं जाऊंगी ग्वारी घाट और बच्चों का प्लान बन गया है कि चलना है, लेकिन अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। ये देखिए कि गार्डन, मुझे पता मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, एक उधर भागेगा एक उधर भागेगा, लेकिन फिर भी देखती हूँ क्या किया जाता है। हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर पूजा हो चुकी है और मैं ऐसे सोचती हूँ कि यहाँ पे हमारे तो घर में मंदिर है, पूजा हो जाती है, लेकिन जब यहाँ से कहीं और जाती हूँ ना हिमाचल में, तब ऐसे ये चीज़ में होती है, क्योंकि सुबह जल डालना, सुबह धूप देना, शाम को दीप देना, और वहाँ मंदिर है नहीं, वहाँ घर पे रहता है। कहते मैं, मेरे साथ एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, जैसे अभी मेरे बच्चों ने क्या है, भगवान पूरे उठा उठा कर भाग रहे हैं क्योंकि मंदिर हाथ में ले लेते हैं, मंदिर ना ऐसे हाथ पहुँच जाता है इनका। तो आज मैंने खुद महसूस किया कि जैसे आँख बंद कर रही हूँ तो जो मेरे कुल देवता है बाबा बालकनाथ, मेरे को उनका स्वरूप दिखाई दे रहा है। मैं अभी जितने मंदिर गई हूँ ना, जैसे ज्वाला जी हो गए, नैना देवी हो गए, मैं आँख बंद कर रही हूँ और मुझे वो परमात्माओं के स्वरूप दिख रहे हैं। अभी जैसे मैं वहाँ गई थी लदरौर में संतोषी माँ का मंदिर, मुझे वो माता की मूर्त दिख रही थी, तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम हमें ना अपने तीर्थ स्थानों में जा कर ना दर्शन करना चाहिए। कहते हैं कि सामने भगवान ना भी हो ना, आप अपनी आंखें बंद करें तो वो आपको दिखने चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने फील किया, मैंने इसे भगवान का नाम लिया कि बाबा बालकनाथ, तो और मैंने आंख बंद करी तो मुझे वैसे ही स्वरूप दिख रहा था। मम्मी सबको बुलाती रहती हैं, ये पूरे बाड़े में ना दीदी आके निरमा देती रहती हैं। तो अभी मैं इनको नहलाती हूँ। जोया ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, घर में सपने कर लिए, जिया ने नहीं किया है। ये दीदी जो हैं घर में आकर बिजनेस करती हैं, घर घर निरमा बेचती हैं और ऐसा रेट है, बहुत अच्छा है ये निरमा भी। अभी मैंने यूज़ किया, मम्मी लेती हैं। ये कितना है, 2.5 किलो 120 का है और कुछ 60-30 ऐसे घर घर में लाकर बिज़नेस बहुत बढ़ गया है। एक्चुअली कहते हैं ना, बिज़नेस के बहुत सारे तरीके हैं, बस आपको काम करना आना चाहिए। यार मेरी गैस में कुछ प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली यहाँ पे ना साल भर में से सामान खुलता है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखो ब्लैक कार्ड निकल रही है ना, इसके मिरर पूरे ब्लैक हैं, शायद यहाँ पे फाइन नहीं लग रहा है। हाँ तो मेरा गैस बर्नर जल नहीं रहा है, इसलिए मैंने कहा कर एक बार बनवा लेते हैं, देन उसके बाद कुछ काम शुरू होगा। इसकी बैटरी भी देना स्टार्ट नहीं हो रही, बैटरी ना ड्रेन हो गई है। ये अच्छा है कि मार्केट नज़दीक है तो तुरंत काम हो जाता है। जिया को मैं घर में छोड़ के आई हूँ और जोया ने मुझसे कहा था कि मार्केट में वो किसी भी प्रकार की डिमांड नहीं करेगी, और सच बताऊँ ना, ये दुकान में इंटर हुई है और तुरंत बोलने लगी कि मम्मी पानी पूरी। मैंने कहा अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है, अभी देखते हैं, बोले टाइम लगेगा, बना लेती हूँ मैं। गैस को साफ करने के तरीके खुद ना ट्राई करें, शॉप में ले जाएं। क्या दिखाना? और वो लाने में लगते हैं, दूसरे लगे हैंडल स्टार्ट कर लेगा,
हाँ वो रखा है लेकिन मैं भूल गई, मैं दूसरा लगेट तक लगा दी थी, दूसरा लगेट लगा दी थी, वापस चलने में मुझे टाइम लगेगा। सिंगल में छोटे और चिकन टाइप चिकन मिल जाएगा, कैसरोल में आपको छोटा साइज बहुत कम मिलेगा, जो है दिखा दें। ये मामू से काम करता हूँ और अभी कुछ नहीं लेना, जल्दी बड़े गैस का बन गई है, फाइनली आ गई हूँ शॉप पे गाड़ी की बैटरी देने के लिए। अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि कहाँ जाऊँ, ऐसा लग रहा है कि अगर लेफ्ट के लिए जाती हूँ तो डीमार्ट और राइट के लिए जाती हूँ तो मुझे मिल जाएगा ग्वारी घाट। अब मुझे ऐसा लग रहा था नज़दीक आकर अगर मैं नहीं जाती हूँ तो बड़ी गलत बात होगी, तो अभी देखती हूँ क्या प्लान होता है। बस यहाँ से मुझे लगता 15 मिनट का रास्ता है, करके आती हूँ। जोया नो, जोया इधर आओ, छोड़ो। गाइस तो बताओ जोया हम कहाँ जा रहे हैं? हम घोड़ा घाट जा रहे हैं, उधर बहुत ग्वारी घाट मनु घोड़ी घाट जा रहे हैं हम छोटी मैया के पास, बोले मैया के पास। नहीं मैं नहाने जाऊंगी। नहाना नहीं है, सिर्फ मत्था टेकना है। नहीं तो फ्रेंड्स आज हम लोग चले ग्वारी घाट। आज मन में ऐसा हुआ कि बैटरी, मैंने सोचा अब 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटे का टाइम दिया उन्होंने, उन्होंने कहा ज़्यादा बैटरी नहीं चार्ज करनी, थोड़ी चार्ज करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है ठीक है। तो अभी हम लोग ने सोचा फिलहाल के लिए, मैंने कहा दीपदान कर ही आए जब यहाँ तक आए, सो है नो ना अनाज खरीदा, मैंने कहा सबको दान कर देते हैं। राधे राधे दोस्तों, तो पहुँच गई हूँ मैं अपने प्यारे ग्वारी घाट नर्मदा माई के तट पर, और बचपन से इनकी इतनी कहते हैं ना इतनी श्रद्धा और कहानियाँ सुनी हैं कि जब यहाँ आओ तो ये नदी नहीं केवल ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपनी माँ के पास आ रही हूँ और अपने सारे गम सुख इनको बताकर मन हल्का हो जाता है। कहते हैं माँ रीवा जो है वो केवल महिलाओं की इतनी प्रिय है ना कि उनका बात मानना ही मानना है इन्होंने। तो मैं पहले दान दे देती हूँ। ये यहाँ पे जितने भी ये दद्दू और अम्मा लोग बैठे थे इन सबको मैंने ये चावल का दान दिया। यहाँ पे मैंने कहा ना बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यदि किसी को ऐसे दान करना अन्न दान, तो मैंने आज अन्न दान किया है। भगवान बस कृपा बनाए, हाथ ऐसे ही देने लायक करे। डाल आधे राधे कर लो सबको।
देखिए यहाँ पे अन्न दान लेने में कोई आपत्ति नहीं है, जैसे और जगहों पे होता है ना कि आप पैसे दे दो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप आकर अन्न दान कर सकते, जो दान देना चाहें वो सारा हो जाएगा, अपने घर से पका कर लाएं वो यहाँ दान कर दें। और मैं सच बताऊं कि मेरे हस्बैंड की आदत है कि जब वो यहाँ आते हैं तो सबसे पहले उनको यही आना है। ये इधर की भाषा है और इसमें जा रहे हैं आदिवासी जो होते हैं ना, मध्य प्रदेश जो है वो आदिवासियों का गढ़ है। और ये क्या हुआ, यहाँ पे चंडी का मेला भरा जाता है, हर इस समाज के चंडी का गाना गाते हैं। और ये जो चंडी का संगीत करते हैं ये वो स्पेशल ये लोग ही गाते हैं, ये इनके आज ये लोग यहाँ स्पेशली गाने आए होंगे पूर्णिमा पे। आप देखिए इतना है पूर्णिमा की, देखिए आपको मतलब मैं कहूँगी इतनी धूम है ना कि जैसे मेला लगा होगा नर्मदा घाट पे। फाइनली मैं डी मार्ट आ गई हूँ और यहाँ पे अभी देख रही हूँ जो है रख दो बॉल, वो पता नहीं किसने फेंकी है, फिर आप फूट जाएगी तो आपसे ले लेंगे पैसे। फाइनली घर पहुंच गई हूँ, अभी मैंने कुछ सामान जमाया नहीं है, सिर्फ ऐसे बकेट में रख दिया है एक, और बस अभी घर आकर सबसे पहले मैंने धूप बत्ती कर दी है। और अभी नर्मदा जी, मैंने सोचा है नर्मदा जल जो लेकर आई हूँ सबको देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। आज कहते हैं ना जिस चीज़ का दान करो उसकी बढ़ोतरी होती है। तो बस मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ और कामना करती हूँ कि सबका दिन अच्छा मंगलमय हो और आगे भी मंगलमय जाता रहे। तो राधे राधे, अपना ध्यान रखिएगा।